नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। वशिष्ठ मुनि की कथा चल रही है, ऐसे में अर्जुन चित्रत गंधर्व से पूछता है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि राजा कल्मासपाद ने वशिष्ठ मुनि को अपनी पत्नी के साथ नियोग के लिए बुलाया, क्योंकि जब राजा साप से मुक्त हो गए थे तो स्वयं भी तो अपनी पत्नी से उत्तम संतान को प्राप्त कर सकते थे। तब चित्रत गंधर्व कहते हैं कि जब राजा कल्मासपाद राक्षस योनि में थे, यानी जब वो राक्षस बने हुए थे, उस समय सा कदाचित क्षुधाविष्टो मृगेन भक्षमात्मना, वो एक बार भूख से व्याकुल होकर के और अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, और ऐसे में उन्हें मिला क्या, ब्राह्मणम ब्राह्मणीम चैव मिथुना योपसंगतो, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो मैथुन क्रिया यानी रति क्रिया करने जा रहे हैं उनको वो देख लेते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उसमें से ब्राह्मणी को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उस ब्राह्मण को वो मार करके खाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ब्राह्मणी बड़ी प्रार्थना करती है, ऋतु काले तु संप्राप्ते भर्तव्य व्यसन कर्षिता अकृतार्था हेयम भर्त्रा प्रसवार्थम समागता, मैं अभी ऋतुमती हुई हूँ, अभी मेरा ऋतुकाल गया है, ऐसे में मैं मेरे पति के साथ संबंध बांध करके और उत्तम संतान की माता बनना चाहती हूँ, तो आप मेरे पति को छोड़ दें, क्योंकि अभी मैं सफल मनोरथ नहीं हुई हूँ और जब तक मैं सफल मनोरथ नहीं हूँ तब तक आप मेरे पति को नहीं मार सकते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणी ने बड़ी अनुनय विनय की, कल्मासपादम राजर्षिम मसपद ब्राह्मणीम रुषा, लेकिन कल्मासपाद नहीं माने और उन्होंने उस ब्राह्मण को मार डाला। जब उस ब्राह्मण को मार दिया तो उस ब्राह्मणी ने कल्मासपादम राजर्षिम, कल्मासपाद नाम के उन राजर्षि को असपद ब्राह्मणी रुषा, क्रोधित होकर के उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया, यस्मान ममा कृतार्थायास्त्वया क्षुद्र नृशंसवत प्रेक्षन्त्या भक्षितो मेद्य प्रिया भरता महायशः, आपने मेरे महान यशस्वी पति को मेरे देखते देखते इस रति काल में मार दिया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जब तुम संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के पास रति के लिए जाओगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से कल्मासपाद को श्राप मिला हुआ है। तो कल्मासपाद जब राक्षस योनि में से मुक्त हुए और इक्ष्वाकु वंश में अपने नगरी में वापस आए और उन्होंने ये सोचा कि अपनी रानी के साथ संबंध बांध करके वो एक उत्तम संतान को उत्पन्न करें, तो रानी उनको उस पूरे श्राप की याद दिलाती है कि आपको इस प्रकार से श्राप मिला हुआ है, इसलिए आप मेरे साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। को जब उनकी पत्नी मदयंत्या ने रोका कि नहीं, आप हमारे साथ संबंध नहीं बना सकते हैं, तो गुरु वशिष्ठ को वो बुला के लाते हैं और गुरु वशिष्ठ के संबंध के कारण उनके यहाँ अश्मक नाम का परम प्रतापी और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये गुरु वशिष्ठ परम प्रतापी हैं, परम तेजस्वी हैं और ऐसे गुरुओं को प्राप्त करके इक्ष्वाकु कुल हमेशा समृद्ध रहा है। तो हे पांडवों, अगर आप लोग भी किसी ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना गुरु बनाओगे तो अवश्य ही आप लोगों को भी विजय की प्राप्ति होगी। ऐसे में पांडव जो हैं वो चित्ररथ से पूछते हैं कि भाई आप ही कोई ऐसा बता दो, जिस ऋषि को आप जानते हो, जिस मुनि को आप जानते हो, कि जिसके साथ हमें रह करके या जिनको पुरोहित बना करके हमें हमारे उत्तम मार्ग की प्राप्ति हो। तो वो धौम्य ऋषि का परिचय देते हैं कि यहीं थोड़ी दूर पे धौम्य नाम के ऋषि रहते हैं जो परम तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं। तत् उत्कोचकम तीर्थम गत्वा धौम्याश्रमम तु ते तम बब्रूह पांडवा धौम्यम पौरोहित्याय भारत। चित्रत गंधर्व ने बता दिया, तो उत्कोचक नाम का जो तीर्थ है वहाँ जाकर के धौम्य ऋषि के आश्रम में ये पहुँच जाते हैं और पांचों पांडव माता कुंती के साथ तान धौम्या प्रति जग्राह सर्व वेद विदाम्बरा सर्व वेदों के निष्णात उन धौम्य ऋषि को प्रणाम करके और वन्य ने फल मूले ने पौराहित्य ने चाहिए वही वन्य फल फूल आदि से उनका भी वहाँ स्वागत होता है और वहाँ पर उन धौम्य ऋषि के तेज को देख करके पांडव उनको अपना पुरोहित बनाते हैं
और पांडवों को तब ऐसा लगता है कि अब अवश्य ही पुरोहितेन तेनाथे गुरुणा संगतास्तदा नाथवंत मिवात्मानं मेनिरे भर्तर सभा, जैसे कि उन्हें कोई स्वामी मिल गया हो, कोई मार्गदर्शक मिल गया हो। इस प्रकार से पांडवों को इस चीज का एहसास होता है। इधर धौम ऋषि को भी, वीरांस्तु सहितान मेने प्राप्त राज्यान स्वधर्मतः बुद्धि वीर बलोत्साहे युक्तान देवा निवद्विजा, वो जो द्विश्रेष्ठ धौम है, इन सब पराक्रमियों को अपना शिष्य बना करके उन्हें ऐसा लगा कि अवश्य ही अब ये लोग जो हैं, मेरी बुद्धि और इनका बल पराक्रम, ये दोनों चीज मिलकर के अवश्य ही इनको अपने राज्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से पांडवों ने धौम ऋषि को अपना पुरोहित बनाया है, यहाँ तक की कथा इसमें आई। इसके बाद वो पांचाल देश के लिए प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में तो थे ही, लेकिन इतनी जो चित्रत गंधर्व के पास वो रुके हुए थे, यहाँ से आगे वो लोग प्रस्थान कर चुके हैं धौम्य को अपना गुरु बना के। अब पांचाल देश में जा कर के क्या होता है, आगे की कथा अगले वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनवास, सुनते रहिए, महाभारत की श्रेष्ठ कथाएँ चल रही हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपका चैनल पे नीचे जो सब्सक्राइब है वो अगर काले कलर से लिखा हुआ है तो आपको दोबारा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हमने सब्सक्राइब किया है, दोबारा हम बटन दबाते हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। अनसब्सक्राइब मत कीजिए, सब्सक्राइब रहने दीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ। धन्यवाद।